नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों ये स्कोडा की रैपिड है और इसके एक कूलेंट बॉक्स में देखो, इसमें कूलेंट होता है रेड कलर का, कंपनी का G30 या G12 नंबर का कंपनी रिकमेंड करते हैं। लेकिन इस कूलेंट का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। और ये देखो, ये जो पूरा कूलेंट है ना, ये ब्लैक कलर का हो गया है। ब्लैक कलर का क्यों हो गया है? क्योंकि इसमें पूरा जो इंजन का ऑयल होता है ना, वो मिक्स हो गया है कूलेंट में। और ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मोस्टली डीजल कार्स में आती है, मतलब बहुत सी बार आती है। और ये स्टेप बाय स्टेप कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम देखने वाले हैं। और ऑयल की लेवल देखेंगे ना, तो ऑयल पूरा इसका ख़त्म हो जा रहा है, मतलब ऑयल ही पूरा ड्रेन हो जा रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत डेंजर प्रॉब्लम है, क्योंकि रनिंग में ये प्रॉब्लम आ गया ना और ऑयल पूरा ख़त्म हो गया, तो इंजन सीज होने के बहुत से चांसेस होते हैं इसमें। तो ये अच्छा है कि ये हमें फाइंड आउट हुआ कि इसके ओनर ने देखा कि ये ऑयल गिर रहा है और ऑयल डाल के गाड़ी लेके आया। ठीक है, तो अभी ये जो प्रॉब्लम होता है, ये मोस्टली प्रॉब्लम होता है ऑयल कूलर का। ये इधर ऑयल कूलर होता है ऑयल कूल करने के लिए, मतलब ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये होता है। तो इसमें क्या है, ऑयल सर्कुलेट होता है और कूलेंट सर्कुलेट होता है। कूलेंट जो होता है, ये ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होता है। इसकी ओरिंग चली गई या फिर इसकी बॉडी ख़राब हो गई तो ये प्रॉब्लम मोस्टली आता है। दूसरा प्रॉब्लम होता है हेड गैस्केट का। हेड गैस्केट भी बीच से कट गया तो भी ये प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले हम इसका जो ऑयल कूलर है वो निकाल के देखेंगे कि एक्चुअली ऑयल कूलर अच्छा है या ऑयल कूलर फॉल्टी है। ठीक है, मोस्टली ऑयल कूलर का ही होता है। ऑयल कूलर का प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि गैस्केट चला जाता है तो इंजन वगैरह ठीक से स्टार्ट वगैरह नहीं होता। इसका इंजन स्टार्ट वगैरह हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो अभी ये देखो, ये इसके जो बोल्ट है ये हम निकाल के लेने वाले हैं, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है तो वीडियो में दिखा नहीं सकूँगा। ईजी है एकदम, ये नट निकालोगे, ये होस निकालोगे तो ये आ जाए। पहला हम ऑयल कूलर की जो एल्यूमिनियम की असेंबली होती है वो निकाल के देंगे। वो अगर प्रॉपर है तो पूरी असेंबली निकालेंगे, जो फिल्टर वगैरह है, ऑयल फिल्टर तो उसके। ये देखो, ये ऑयल कूलर हमने निकाला है इसका, और जो प्रॉब्लम है ये ऑयल कूलर में ही है। क्योंकि कैसा होता है, देखो ये जो है ना, ये कॉपर कलर का हुआ, इसमें क्या कूलेंट सर्कुलेट होता है इन दोनों में। ठीक है, और इन दोनों में ऑयल सर्कुलेट होता है। इन दोनों का आपस में रिलेशन है, यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है। ये जो कूलेंट है ये यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है। ठीक है, बीच में अगर लीक हो गया कभी, मतलब यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, तो क्या प्रॉब्लम हो जाता है उसमें, ये जो कूलेंट है और हमारा ऑयल है वो मिक्स हो जाता है। तो चेक कैसे करना है, इसके सिंपल स्टेप है, इधर हाथ रखना है और ये हमने पहले अच्छे से शैम्पू पानी से और सबसे अच्छे से एकदम क्लीन केयर कर दिया है। ठीक है, और अभी ऐसे मुँह से खींच के देखना है, मुँह से खींचता हूँ ना तो इसमें वैक्यूम नहीं बन रहा है, लीक हो रहा है यहाँ से। यहाँ हम उंगली रखेंगे ना तो ही वैक्यूम बन रहा है, मतलब ये बीच से लीकेज है। या पानी डाल के देखो, बाकी कुछ करके देखो, मिलता नहीं है लीक, क्योंकि बहुत छोटा सा लीक हुआ होता है। ये यही तरीका है इसको लीक फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो हमारे पास दूसरा एक सेकेंड हैंड था ऑयल कूलर, एकदम प्रॉपर है। इसमें मैं चेक करता हूँ ना, ये देखो, एकदम प्रॉपरली वैक्यूम बन रहा है। तो हम जो ये ऑयल कूलर है ये लगाएंगे, इसके बाद हमें कूलेंट पूरा ड्रेन करना पड़ेगा। और कूलेंट है वहाँ हमें पानी डाल के पहले चेक करना पड़ेगा, प्रॉब्लम रिपीट तो नहीं हो रही है ना, तो इसके बाद ही हमें कूलेंट डालना पड़ेगा। पहले हम पानी पे ट्राई करेंगे, इसके बाद इंजन ऑयल की लेवल जो कम हो गई है वो भी हम यूज्ड ऑयल डालेंगे पहले, और उसके बाद अगर प्रॉपर है सब चेक करने के बाद तो नया ऑयल चेंज कर देंगे ऑयल फिल्टर के साथ वगैरह, और उसके बाद हमारा कूलेंट भी नया डालेंगे। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी ये ऑयल कूलर हम लगाने वाले हैं, उसको क्या है, पहले इस पर जो मार्क्स वगैरह है ना, ये अच्छे से सैंड पेपर से सैंडिंग करके लाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो क्या लीकेज का प्रॉब्लम आएगा। तो ये हमने अभी क्लीन कर रहे हैं, ऐसा ही हमें थोड़ा और देर तक क्लीन करना पड़ेगा, इसके बाद इसकी फिटिंग करेंगे हम। तो ये जो है ये पुराना है हमारे पास, इसका ही ये अच्छा था और इसकी बॉडी गई थी। बॉडी जब जाती है ना तो ये देखो, ये ऐसा होता है, यहाँ से कट्टी है, ये ऐसी इस पर ओरिंग या फिर पैकिंग को, ये पैकिंग होता है। ठीक है, और ये देखो इधर से भी कटा है, ये ऐसा कटा है तो लीकेज की प्रॉब्लम आएगी आपको, ऑयल लीक होगा
या फिर कूलेंट लीक होगा जिधर ये हमारी असेंबली बैठती है उधर से, तो लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है तो इसकी प्रॉब्लम होती है या फिर गैसकेट की, ठीक है। तो हमें तो फाइंड आउट हो गया इसकी प्रॉब्लम है। अभी क्या है, उधर मैं दिखा नहीं सकता है इसलिए इधर दिखा रहा हूँ आपको कैसे लगाना है। ये जो ओरिंग वगैरह है वो तो उसमें है, वो ठीक से अच्छे से इसे ग्रीस लगाना है और ये इस तरह से लगाने के बाद इस पर ये बोल्ट है यार, ये लगाने हैं, इतना सिंपल काम है। और नीचे से रेडिएटर का होस पाइप निकाल के दो तीन बार पानी से अच्छे से वो फ्लश करके लेना है और उसके बाद डायरेक्टली पानी ही डाल के हम चलाएंगे और यूज इंजन ऑयल डाल के। अभी देखो इसका जो ऑयल कूलर है ये हमने चेंज किया, जो मैंने दिखाया था वो लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कूलेंट में जो ऑयल था वो हमें अच्छे से साफ़ करना पड़ा और उसके बाद हमने पानी डाला जो सादा पानी आता है वो, और उससे लगभग 5-6 बार हमने क्लीन करके लिया, पानी डाला, थोड़ी गाड़ी 5 मिनट चालू रखी, फिर ड्रेन किया, ऐसे किया। और इसमें आप क्लच भी कर सकते हो, जो लिक्विड मोली का रेडिएटर फ्लश होता है उससे भी कर सकते हो। और थोड़ा बहुत जो ऑयल बचा था उसमें क्या करना है, थोड़ा सा सर्फ एक्सल डालना है और नीचे से छोड़ देना है, एकदम अच्छे से क्लीन करके लेना है, अंदर रहना नहीं चाहिए। इतना बहुत बड़ी स्टेप है, लगभग 3-4 घंटे जाते हैं उसमें। तो ये प्रॉपरली हमने जेन्युइन वॉल्सवैगन का कूलेंट डाल दिया है इसमें और अभी आप देख सकते हो इसमें ज़रा भी ऑयल वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा। ये देखो एकदम रेड कलर का एकदम प्रॉपर कूलेंट आपको इसमें दिखाई देगा, ज़रा भी एक बूंद भी इसमें ऑयल की अभी बची नहीं है। इसके बाद हमने जो गाड़ी की जनरल सर्विस की, मतलब जो गाड़ी का इंजन ऑयल था सब डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब बदल दिया क्योंकि अभी जो रेगुलर सर्विस है वो भी अभी आने वाली थी, 5-6 हज़ार किलोमीटर ही बचे थे उसके। और क्या कूलेंट और ऑयल आसपास में मिल जाता है ना, तो थोड़ा बहुत क्वांटिटी ऑयल में अगर रह गई तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ऑयल भी बदल दिया हमने, कूलेंट भी बदल दिया और बाकी सब फिल्टर वगैरह बदल दिया। अभी गाड़ी में आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, अभी सुबह है और पहला ही स्टार्ट है, सेट मार के दिखाता हूँ। ये देखो गाड़ी पर इटसेल्फ में स्टार्ट हो गई और कूलेंट है हमारा वो भी एकदम प्रॉपरली सर्कुलेट हो रहा है और कहीं से लीक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ।